जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पंचायती राज विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर ये राजस्थान पंचायती राज विभाग भर्ती अभी तक नहीं आई है, इसकी कोई सूचना हो तो ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल एक सूचना ज़रूर आई है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि राजस्थान पंचायती राज विभाग भर्ती कब तक आने वाली है, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, सारी की सारी प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं। एज वगैरह क्या रहेगी, योग्यता वगैरह क्या रहेगी, वेतन वगैरह क्या मिलेगा, सारी चीजें हम कंफर्म करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस वीडियो के बाद, ठीक है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी जानकारी को हम साझा करेंगे आपके साथ। राजस्थान पंचायती राज विभाग भर्ती 2024 पंचायती राज विभाग है, मुनीम सहायक आउटसोर्स भर्ती है, जिसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब होता है परमानेंट नहीं होती है साथियों, संविदात्मक ये भर्ती होती है, ठीक है, लेकिन इसमें हटाया नहीं जाता है। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। अब देखो भाई, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, राजस्थान में ये भर्ती कब आने वाली है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसकी भी सूचना हम आपको देने वाले हैं। और अगर कोई भाई बहन ये सोचे कि साहब राजस्थान में ये पंचायती राज विभाग की भर्ती आ चुकी है और लोगों ने कह दिया है कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप एक गलत सूचना ले रहे हो, ठीक है साथियों। राजस्थान में पंचायती राज विभाग में अभी ऐसी कोई भर्ती नहीं आई है। मुनीम सहायक आउटसोर्स की भर्ती अभी तक नहीं आई है राजस्थान में। जैसे ही भर्ती आएगी तो हम आपको जरूर सूचना दे देंगे। अब फिलहाल में भर्ती कहां पर आई हुई है उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। फिलहाल में भर्ती आई है मुनीम सहायक की 6570 पदों के ऊपर, 6570 पदों के ऊपर भर्ती आई हुई है। बीकॉम एमकॉम इसमें योग्यता मांगी गई है और वेतन 20,000 रुपए दिया जाएगा। ये जो भर्ती है ये वर्तमान में आपको बिहार में मिलेगी साथियों, जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसके आवेदन 30 अप्रैल से शुरू होंगे और 29 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सब राजस्थान में आ गई क्या ये भर्ती, तो भैया राजस्थान में ये भर्ती नहीं आई है। राजस्थान में तो अभी आवेदन कमिंग सून है, जैसे ही राजस्थान की सूचना हमें मिलेगी हम आपको फटाफट से साझा कर देंगे और आपको ये खबर भी दे देंगे। राजस्थान में भर्ती आएगी तब ज़रूर बताएंगे। संविदात्मक भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है, जिसमें अगर ये भर्ती बिना परीक्षा की रहेगी तो फिर आपको मात्र 3 साल के लिए रखेंगे राजस्थान वालों के लिए। और अगर इस भर्ती में टेस्ट ले लिया जाता है तो फिर आपको हटाया नहीं जाएगा, आपको 3-3 साल करते 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 पूरी सेवा आपसे ली जाएगी, ठीक है। अब बिहार में तो क्या हो रहा है, बिहार में भैया इसका टेस्ट लिया जा रहा है, बिहार में क्या लिया जा रहा है, एग्जाम टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस भर्ती में बिहार वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, उन्हीं को यहाँ पर मौका मिलेगा। बाकी अदर कैंडिडेट अगर कोई फॉर्म भरता है तो ना तो उसको आरक्षण मिलेगा भैया और ना कोई फायदा मिलने वाला है। बिहार में ही ये भर्ती है तो बिहार के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी अगर बिहार वाले लेना चाहें तो ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और अपने सभी भाई बहनों के साथ साझा कर सकते हैं। जिसमें एज 21 से 45 साल मांगी गई है, फॉरम
फॉरम फीस 500 रुपये है, एससी एसटी महिला कैंडिडेट और दिव्यांग भाई बहन हैं उनके 250 रुपये फॉरम फीस लग रही है। ठीक है, अच्छा राजस्थान में भी एज इतनी ही होगी, 21 से 45 साल है। अगर छूट भी मिलती है तो छूट के लिए भी ज़रूर बता देंगे। बिहार वालों को छूट दी जाएगी इसमें, ठीक है साहब। बिहार वालों को एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है। ये थी एक जानकारी जो मैंने आपके साथ अच्छे से साझा की है। कोई भी भाई बहन इस कंफ्यूजन में ना रहे कि साहब राजस्थान में भी ये भर्ती आ चुकी है। राजस्थान में जैसे ही भर्ती आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। बहुत सारे भाई बहन कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, वो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान में पंचायती राज विभाग की भर्ती आ चुकी है, 6500 पदों पर आ चुकी है। तो भैया ये गलत सूचना है, यह बिहार की भर्ती है जिसको राजस्थान का बता करके आपको कन्फ्यूजन किया जा रहा है, आपको मतलब एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। तो आप इस संशय से दूर रहें। अब मैंने आपका पूरा जो डाउट था वो क्लियर कर दिया है, ठीक है साहब। विश्वास नहीं है तो नोटिफिकेशन देखो भाई, जाकर के नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, वो जो कि बिहार की भर्ती है, राजस्थान की नहीं है। जैसे ही राजस्थान की आएगी तो हम आपको ज़रूर अवगत करवा देंगे, ठीक है साहब। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्ती निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।